दोस्तों नमस्कार, मैं समय सिंह मीना आपको HRMS ESS सर्विस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये केवल रेलवे एम्प्लॉय के लिए ही है। जो HRMS नया मॉड्यूल आया है उसमें आप सभी को पता है 1 जनवरी 2020 से जो ई पास जारी किया गया है, अगर आपके HRMS में फैमिली डिटेल सही नहीं है तो आप पास जारी नहीं कर पाएंगे। अब जो पहले के अनुसार चलता था नियम, वो लंबा प्रोसेस था, उसमें एम्प्लॉय परेशान हो रहा था, तो उसी कमी को देखते हुए HRMS ने एक ESS मॉड्यूल तैयार किया है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जिसके माध्यम से आप अपने किसी भी डाटा में एडिट कर सकते हैं और उसको आगे भेज सकते हैं और आपको कहीं जाने का नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ESS सर्विस का लाभ लें और वो कैसे लें, कैसे काम करता है, वो सारा इस वीडियो में आपको समझाया गया है। आप ESS के माध्यम से अपने डाटा को अगर जहाँ भी आपको गलत लगता है एडिट करके आप सही कर सकते हैं और ई पास जारी करवा सकते हैं। जब तक आपका फैमिली डिटेल पूरा सही नहीं होगा आप ई पास नहीं जनरेट कर पाएंगे। नोट कर लीजिए ये बात, सीखना सभी को जरूरी है लेकिन सीखेगा वही जिसको जरूरत है। कोई भी सिस्टम नया आता है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम उन दिक्कतों को सीखते हुए बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। आप एकदम पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और अपने ESS के माध्यम से HRMS में अपना कोई भी डाटा एडिट करके डीलिंग क्लर्क के पास भेज सकते हैं और ई पास अपना जारी करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों को अपडेट जानकारी देता रहूँ केवल रेलवे की टेक्निक के बारे में। HRMS.indianrail.gov.in/HRMS इसको खोलने पर आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अपना HRMS आईडी डालना है, देन पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। तो मैं एक एम्प्लॉय की आईडी से आपको लॉगिन करके बता दे रहा हूँ। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये OTP मांगेगा, हमने OTP डाला और वेरीफाई किया। ठीक है, अब हमने रामलाल मीना की आईडी खोली है। खोलने के बाद आपको जाना है IRHRMS ESS। ठीक है, ESS का मतलब है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। इसे खोलना है, फर्स्ट ऑप्शन यूजर प्रोफाइल, सेकंड में व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल, थर्ड है चेंज रिक्वेस्ट समरी। अब आपको क्या करना है, व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल में जाना है, इसे खोलना है। खोलने के बाद यहाँ आपको टैब सेलेक्ट करनी है कि आप किस टैब में आपका डाटा चेंज करवाना चाह रहे हो। आप बेसिक इन्फो में करवाना चाह रहे हो, फैमिली में, कम्युनिकेशन में, पर्सनल में, क्वालिफिकेशन में, इनिशियल अपॉइंटमेंट, अवार्ड, प्रमोशन, ट्रांसफर, नॉमिनेशन, ट्रेनिंग, पब्लिकेशन एंड डेपुटेशन। अब सपोज मुझे क्या करना है, इन्फो में भी मुझे चेंज करना है, फैमिली में, मैं सबको आपको एक एक बता देता हूँ। बेसिक इन्फो चूज किया, देन गो किया। गो करने के बाद आपको यहाँ से रेज चेंज रिक्वेस्ट करनी है। अब ऊपर देखिए, यहाँ आपको दिखा रहा है एम्प्लॉई रामलाल मीना, उसका DC है रवि कुमार मीना, उसका वेरीफाई अथॉरिटी है राजनारायण और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रामलाल मीना। यानी कि जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो खुद भी अपना डाटा चेंज करवा सकता है, इसलिए वो उसका आ रहा है। अब यहाँ से आपको रेज चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको यहाँ रीजन फॉर एडिटिंग देना है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे आप लिख देते हैं रॉन्ग डाटा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी टैब अनेबल नहीं होगी बेसिक इन्फो में, क्योंकि ये नाम है जो आपका SR के अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। आधार नंबर भी आपका देख के ही लिखता है DC। डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करने को नहीं मिलेगा, आपको चेंज करने को मिलेगा जैसे आपका हिंदी में नाम क्या है। मैं हिंदी का नाम देखिए यहाँ से रामलाल मीना है, तो मैं मीना हटा देता हूँ, आपको एग्जाम्पल करके दिखा दूँगा। उसके बाद आप यहाँ रीजनल लैंग्वेज में, जैसे मैं यहाँ रामलाल की मीना की जगह भी हटा देता हूँ, रामलाल कर देता हूँ। और बर्थ प्लेस भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो, और यहाँ से स्पाउस नेम चेंज कर सकते हो कि स्पाउस नेम की स्पेलिंग में कुछ गलती हो, और स्पाउस का एम्प्लॉय टाइप आप चूज कर सकते हो अगर है तो।
और आप यहाँ ब्लड ग्रुप चेंज कर सकते हो। और इन चेंजेस के लिए आपको यहाँ नीचे सपोर्टिंग प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है। अब मैं यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे ही कि ये फॉर्म है, मैं अपलोड कर देता हूँ जस्ट वैसे ही। ये अपलोड हो गया, ये देखिए ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब आपको यहाँ सबमिट करना है, सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन OTP मांगेगा, मैं ट्रांजेक्शन OTP दे देता हूँ, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये एक चेंज रिक्वेस्ट ID आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए इसमें चेंज रिक्वेस्ट समरी में, जैसे आप चेंज रिक्वेस्ट समरी में जाएंगे तो आपने जो भी रिक्वेस्ट डाली थी उसका एक डिटेल यहाँ समरी आपके सामने बन के आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये आपका चेंज रिक्वेस्ट ID था, आपने टैब नेम था बेसिक, ठीक है, तो आपका ये डीलिंग क्लर्क के पास कब जाएगी उसकी डेट आ जाएगी, DCT एक्शन डेट आ जाएगी, वेरीफाई VA यूज़र ID आ जाएगी, कौन सी डेट को उसने किया था, ये सारी आ जाएगी। और यहाँ से आप अपना पूरा एक्शन देख भी सकते हैं कि आपने इसमें क्या क्या चेंज किया था। अब जहाँ आप चेंज करोगे, जो जो आप चेंज करोगे वो आपको यहाँ रेड कलर से आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ रामलाल में से मीना हटाया था तो यहाँ ये रेड आ गया, ये रेड आ गया, ठीक है, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। स्टेटस आपकी न्यू है। तब तक जब तक आपका ये एक फॉर्म जैसे आपने बेसिक इन्फो टैब में किया था, जब तक ये आपका एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप इसमें दूसरी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, जैसे आप अगर दूसरी डालना भी चाहोगे तो गो करोगे, गो करने के बाद आपके सामने यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा, स्टेटस है चेंज रिक्वेस्टेड, आपने ऑलरेडी एक इसको चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली हुई है, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक आप दूसरी नहीं डाल पाओगे। अब मान लीजिए मैं फैमिली में आता हूँ, फैमिली टैब, और गो कर देता हूँ। गो करने के बाद आपको यहाँ अलग अलग फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, जैसे रेंज रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अब आ गया है आपका फैमिली मेंबर 1। अब मान लीजिए फैमिली मेंबर 1 में आपको कुछ एडिट करवाना है तो आप यहाँ एडिट करो, आप उसका रीजन दे दोगे कि रॉन्ग डाटा। अब उसके बाद मान लीजिए नेम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ नेम में टिक करके, जैसे मैं यहाँ मंजू मीना इसको हटा देता हूँ मीना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ उसका हिंदी में नाम लिख सकते हैं, उसकी मैरिटल स्टेटस जैसे यहाँ भरी नहीं हुई है तो मैं वो भर देता हूँ मैरिड है, स्पाउस का नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उनका आधार नंबर भी लिख सकते हैं, पैन नंबर लिख सकते हैं, और उनका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड भी करना पड़ेगा। आप उसका रिलेशन लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, अगर चेंज करवानी है डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन है तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। वो डिपेंडेंट है या नहीं वो आपको चूज करना है, डिपेंडेंसी रीजन इसमें आपको ये चूज करना पड़ेगा डिपेंडेंसी रीजन। और पास के लिए डिपेंडेंट है या नहीं है तो जैसे यहाँ यस कर देंगे, और मेडिकल के लिए डिपेंडेंट है या नहीं है इसको यस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये दूसरा मेम्बर है, ये मेम्बर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर डिलीशन करूँगा तो ये आपके इसमें से हट जाएगा, तो मैं इसे सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मान आपको एक फैमिली मेंबर नया ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मेंबर की टैब खुल के आ जाएगी, एक और फॉर्म, इसमें आप पूरे नए मेंबर का पूरा डिटेल भरेंगे, ठीक है, जो भी है, और उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। आपको नहीं करना है, हटाना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला मेंबर मैंने एडिट किया था, दूसरा मैंने मार्क फॉर डिलीशन किया है, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए मेंबर 1 का आधार पैन या अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन कुछ मांग रहा है, एडिट कर रहा है, हमें ये एरर कर रहा है। अब ये आधार मांग रहा है तो आधार में हम नंबर दे देते हैं, ठीक है, और इसको सबमिट कर देते हैं। अब हम चेंज रिक्वेस्ट समरी देखते हैं। अब इसमें आप देखिएगा आपके सामने दो रिक्वेस्ट आ जाएंगे आपकी, एक आपका बेसिक टाइप का था, एक फैमिली का था। अब चाहे तो आप और रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जितना भी आपको चेंज करना है, क्वालिफिकेशन में, इनिशियल में, अवार्ड में, प्रमोशन, जिसमें भी डालना है वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट डालेंगे
अब देखते हैं ये रिक्वेस्ट जाएगी आपकी डीलिंग क्लर्क के पास, तो मैं आपको ले चलता हूँ डीलिंग क्लर्क के पास। अब डीलिंग क्लर्क को आईडी से मैं लॉगिन कर लिया हूँ, ये देखिए डीसी। उसके बाद आपको जाना है एम्प्लॉय मास्टर, डीलिंग क्लर्क जाएगा एम्प्लॉय मास्टर पे। एम्प्लॉय मास्टर में जाने के बाद वो फॉरवर्ड चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा। फॉरवर्ड चेंज रिक्वेस्ट पे जाएगा तो उसके सामने यहाँ जो भी रिक्वेस्ट आई रहेगी उसको यहाँ शो कर देगा। शो करने के बाद वो देखिए यहाँ एक प्रोसेस का ऑप्शन है, जब तक ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा तो वो प्रोसेस का ऑप्शन आता रहेगा। मैं जैसे आपका पहला बेसिक वाला था तो बेसिक वाले को प्रोसेस करता हूँ। अब देखिए जो भी फील्ड आपने चेंज किए थे वो मुझे यहाँ रेड कलर में देखेंगे, जैसे हमने यहाँ रामलाल के आगे से मीना हटाया था तो वो चेंज यहाँ दिख रहे हैं। मुझे लगता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको यहाँ दिखेगा जो भी कुछ है, और देन वो इसको ओके कर देगा अगर सही है तो, और गलत है तो रिटर्न कर देगा। तो मैं इसे यहाँ फिलहाल सबमिट कर देता हूँ, यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका टैब सबमिट हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ जाएगा सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, इसको हम क्लोज कर देंगे। देखिए जैसे हमने प्रोसेस किया उसके बाद सिर्फ व्यू का ऑप्शन रह जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम फैमिली को भी कर देते हैं। फैमिली में देखिए पहले मेंबर एडिट के लिए आया है, उसमें क्या क्या चेंज हुआ है जो ये रेड से आ जाएगा, ठीक है उसको हम कर देंगे ओके। और दूसरा मेंबर हम यहाँ से देखते हैं, दूसरा मेंबर आया है डिलीटेड के लिए, ठीक है अब हम इसको यहाँ सबमिट कर देते हैं। ये आपका सबमिट फॉर वेरिफिकेशन हो गया। फिर हम अब देखिए यहाँ से ये तीनों प्रोसेस एक्शन व्यू में चला गया है, यहाँ व्यू हमें एक्शन कुछ नहीं करना है, व्यू में चला गया। अब मैं आपको एक बार फिर से डीसी की एम्प्लॉय की आईडी से दिखाता हूँ कि एम्प्लॉय की आईडी में क्या आ रहा है। यहाँ हम जाते हैं कहाँ, ईएसएस पे, ईएसएस पे चेंज रिक्वेस्ट समरी। अब देखिए जैसे डीलिंग क्लर्क ने किया तो आपका डीलिंग क्लर्क की आईडी आ जाएगी एचआरएमएस आईडी, और देन उसने किस डेट को किया था और कितने बजे किया था, ये सारी डिटेल आपको शो करने लगेगी। अब हम जाते हैं वेरीफाई अथॉरिटी की आईडी से। अब ये देखिए हम वेरीफाई अथॉरिटी की आईडी से लॉगिन हो गए हैं, और यहाँ से वही एम्प्लॉय मास्टर में जाना है और वेरीफाई चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब ये तीनों जो हमने सबमिट की थी रिक्वेस्ट वो हमारे यहाँ पर आ गई है वेरीफाई अथॉरिटी के पास। डीलिंग क्लर्क का टाइम भी आ गया है देखिए, उसके बाद हमें इसको प्रोसेस करना है, और देन वही हमें जल्दी से यहाँ से इसको प्रोसेस कर देते हैं। सबमिट किया, इसको प्रोसेस किया, उसके बाद जाते हैं हम असेटिंग अथॉरिटी की आईडी से, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ करोगे तो देखिए आपके सामने ये दिखाएगा, कोई डाटा आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास कोई रिक्वेस्ट अब चेंज ये बची नहीं है, आपने सारी भेज दी है वेरीफाई अथॉरिटी ने। अब हम जाते हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की आईडी से, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की खुद का डाटा हमने चेंज किया था, तो हम जाएंगे यहाँ एम्प्लॉय मास्टर पे और यहाँ आएंगे। अब हम आएंगे यहाँ एक्सेप्ट चेंज रिक्वेस्ट पर, हमारे सामने वही तीन टैब आपको मिलेंगी। हम इसको प्रोसेस कर देते हैं जैसे वहाँ किया था यूनिट डीलिंग क्लर्क और वेरीफाई अथॉरिटी की आईडी से। क्लोज करने के बाद हम फिर से आते हैं ईएसएस पे, और यहाँ से चेंज रिक्वेस्ट समरी देखते हैं। चेंज रिक्वेस्ट समरी देखेंगे तो ये देखिए हमने जो तीन आपने किए थे वो आ गए, और आने के बाद ये देखिए पूरा डाटा यहाँ तक टी एक्शन डेट तक आ गया है। अब ये आप व्यू करके देख सकते हैं, ठीक है कि आपने क्या भेजा था वो आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके डाटा में चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब हम जाते हैं फिर से एक व्यू एक रिक्वेस्ट डालते हैं। हम देखिए फैमिली टैब लेते हैं, फैमिली में देखिए अब सिर्फ हमारे पास एक ही मेंबर बचा है, और उसका भी हमने नाम करेक्शन किया था। हमारे जो एक मेंबर को डिलीट किया था वो डिलीट हो चुका है, और नाम में हमारे में करेक्शन हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें भी बेसिक इन्फो में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने मीना हटाया था वो हट गया है, यहाँ से भी हटाया था वो हट गया है। दोस्तों इस तरीके से आप अपना खुद का डाटा एचआरएमएस में चेंज कर सकते हैं, चेंज की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, आपको भविष्य में इसकी बार बार आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसमें किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कहाँ आपको परेशानी आ रही है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।
और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।